नमस्कार, फास्ट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। आई नजर डालते हैं खबरों की ओर। विदिशा जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्तर की ताई कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर नवांकुर विद्यापीठ के छात्र छात्राओं ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में राधा रानी के स्वरूप में एक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने कार्यक्रम में समा बांध दिया। वहां मौजूद सभी अतिथि व नागरिक मंत्रमुग्ध होकर रह गए और सभी श्री कृष्ण और राधा रानी के जयकारे लगाने लगे। प्रस्तुति देखकर हर कोई अचंभित था, जैसे साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हो रहे हों। इन छात्र छात्राओं ने विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप के प्रांगण में भी अपनी प्रस्तुति दी, जहां पर विदेशी सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। विदिशा में 64th नेशनल कंपटीशन था ताइक्वांडो का, जिसमें नवांकुर विद्यापीठ गंजवासुदा को आमंत्रित किया गया और सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोगों ने वहाँ पर मयूर नृत्य किया, जिसमें 30 बच्चों ने भागीदारी की और जिसे वहाँ पर लगभग जो सभी 37 स्टेट से बच्चे आए हुए थे, उन सभी ने और वहाँ के अतिथियों ने बहुत सराहा। और इसके बाद हम सभी लोग सांची गए और वहाँ पर विश्व धरोहर सांची के सामने भी हमारे बच्चों ने प्रस्तुति दी, और जिसको लगभग 300 दर्शकों ने देखा और बहुत सराहा। नृत्य की जो प्रस्तुति दी थी वो मुख्यतः ब्रज से ली गई है, कि मुख्यतः ब्रज का नृत्य है, जिसमें जो कृष्ण जी हैं वो मूर बन के आते हैं और राधा जी को अपने विराट रूप का दर्शन देते हैं। इसमें प्रसन्नता की बात यह है कि ये जो विराट रूप के दर्शन है, पूरी वहाँ के जो दर्शक थे उन्होंने भी लिए और इसका पूर्ण रूप से आनंद उठाया, और वहाँ के लोगों ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो विराट रूप है साक्षात कृष्ण जी आए हैं। विदिशा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट।